आपको बताते हैं स्ट्रक्चर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो स्ट्रक्चर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में शुरू करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेशन एंड मैपिंग। मैपिंग इज़ द प्रोसेस दैट मैप्स फैक्ट्स टू रिप्रेजेंटेशन एंड वाइस वर्सा। मैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो मैप करता है फैक्ट्स को रिप्रेजेंटेशन से और अदर कंटेंट से। दूसरे तरह का मैपिंग हो सकता है, यहाँ पर दो तरह का मैपिंग हो सकता है। एक हो सकता है फॉरवर्ड मैपिंग और दूसरा हो सकता है बैकवर्ड मैपिंग। फॉरवर्ड मैपिंग में फैक्ट मैपिंग करता है रिप्रेजेंटेशन से और बैकवर्ड मैपिंग में रिप्रेजेंटेशन टू फैक्ट्स मैपिंग होती है। जैसे कि आप एक एग्जांपल में देख सकते हैं कि फैक्ट्स आर कनेक्टेड टू इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो कनेक्टेड टू फैक्ट्स। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इज कनेक्टेड टू इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन एंड इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो कनेक्टेड टू इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। फैक्ट्स कनेक्टेड होते हैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कनेक्टेड होता है इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन से, जहाँ पे इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग और इंग्लिश जनरेशन का वर्क होता है। जब भी फैक्ट्स से कुछ डेटा फैक्ट्स से इंटरनल रिप्रेजेंटेशन की मैपिंग होती है, यानी कि कनेक्शन कैसा होता है फैक्ट्स टू, यदि हमारा कनेक्शन होता है फैक्ट्स टू इंटरनल रिप्रेजेंटेशन तो उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड मैपिंग, और यदि हमारा कनेक्शन होगा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन टू फैक्ट्स तो उसे हम कहेंगे बैकवर्ड मैपिंग। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कनेक्टेड होता है इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन से, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से इंग्लिश जनरेट होके इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन को मिलता है, और इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन से जो भी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग होती है वो किसको मिलती है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। एक गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में फोर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहला होता है रिप्रेजेंटेशियल एडिक्वेसी, दूसरा इन्फ्रेंशियल एडिक्वेसी, तीसरा इन्फ्रेंशियल एफिशिएंसी और चौथा इक्विशेंशियल एफिशिएंसी। रिप्रेजेंटेशियल एडिक्वेसी का मतलब होता है एबिलिटी टू रिप्रेजेंट ऑल नॉलेज नीडेड इन द डोमेन, यानी कि जो भी गुड क्वालिटी रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिप्रेजेंट कर सके सारे नॉलेज को, सारे उस नॉलेज को जो कि डोमेन में ज़रूरत पड़ती है। इन्फ्रेंशियल एडिक्वेसी का मतलब होता है एबिलिटी टू मैनिपुलेट नॉलेज टू डिराइव न्यू स्ट्रक्चर्स इन्फ्रेड फ्रॉम ओल्ड। इन्फ्रेंशियल एडिक्वेसी का मतलब होता है कि जो भी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मैनिपुलेट कर सके नॉलेज को और डिराइव कर सके न्यू स्ट्रक्चर जो कि इन्फर्ड होता है फ्रॉम ओल्ड। यहाँ ओल्ड का मतलब होता है ओल्ड कॉन्सेप्ट्स, ओल्ड रिप्रेजेंटेशन, उनसे इन्फर्ड किया जा सके। तीसरा जो क्वालिटी है वो है इन्फ्रेंशियल एफिशिएंसी, यानी कि एबिलिटी टू परफॉर्म इन्फेरेंस इन द मोस्ट एफिशिएंट डायरेक्शन। इन्फ्रेंशियल एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो गुड क्वालिटी रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें ये एबिलिटी होती है ताकि कि वो परफॉर्म कर सके इन्फेरेंस इन द मोस्ट एफिशिएंट डायरेक्शन। चौथी जो क्वालिटी होती है वो होती है इक्विशेंशियल एफिशिएंसी, इसका मतलब एबिलिटी टू एक्वायर न्यू इन्फॉर्मेशन ईजिली, यानी कि जो भी गुड क्वालिटी रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें यह क्वालिटी होनी चाहिए कि वह ईजिली एक्वायर कर सके न्यू इन्फॉर्मेशन को। स्ट्रक्चर्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर सिमेंटिक नेट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। पहला पॉइंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज इन टर्म्स ऑफ नोड्स एंड द आर्क्स कनेक्टिंग देम, यानी कि नॉलेज का जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें नोड्स का इस्तेमाल होता है और उन नोड्स से जुड़े हुए आर्क्स का इस्तेमाल होता है, उन्हें हम कहते हैं सिमेंटिक नेट्स।
नोड्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, नोड्स के माध्यम से हम ऑब्जेक्ट को शो करते हैं। आर्क्स रिप्रेजेंट लिंक्स और रिलेशनशिप्स, आर्क्स के माध्यम से लिंक और रिलेशनशिप को शो करते हैं। सिमेंटिक नेट्स, सिमेंटिक नेट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्ट्रक्चर नॉलेज का नोड्स के टर्म्स में, और इन नोड्स से आर्क्स जुड़े हुए होते हैं। नोड्स रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को और आर्क्स रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट के बीच में लिंक्स और रिलेशनशिप्स का। अब हम यहाँ पर आपको सिमेंटिक नेट्स का एग्जांपल बता रहे हैं। इस सिमेंटिक नेट्स के एग्जांपल के लिए हम एक नॉलेज बेस यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास 10 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। पहला इंफॉर्मेशन है टॉम इज़ अ कैट, सेकेंड इंफॉर्मेशन है टॉम कॉट ए बर्ड, थर्ड इंफॉर्मेशन है टॉम इज़ ओन्ड बाय जॉन, फोर्थ है टॉम इज़ जिंजर इन कलर, फिफ्थ है कैट लाइक्स क्रीम, सिक्स्थ है द कैट सेट ऑन द मैट, सेवेंथ है ए कैट इज़ अ मैमल, एट्थ ए बर्ड इज़ अ एनिमल, नाइन ऑल मैमल्स आर एनिमल, और 10 मैमल्स हैव फ्योर। यानी कि हमारे पास जो नॉलेज बेस है उसमें 10 सेंटेंस हैं। टॉम एक बिल्ली है, टॉम को एक बर्ड ने पकड़ लिया है, टॉम का मालिक है जॉन, टॉम का कलर है जिंजर कलर, अदरक जिंजर जैसा कलर है, बिल्लियों को क्रीम पसंद है, कैट्स चटाई पर लेटी हैं, कैट एक मैमल है स्तनपाई है, बर्ड एक एनिमल है, सारे मैमल्स एनिमल्स होते हैं और मैमल्स में फ्योर होते हैं। अब इसी सिमेंटिक नेट्स को कैसे आप ड्राइव करेंगे कि जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं मैमल्स हैज फ्योर, ये एक तरह का रिलेशनशिप है, मैमल में फ्योर होते हैं। दूसरा यहाँ जो रिलेशनशिप शो किया गया है वो क्या किया गया है कि मैमल्स कैट आर आल्सो मैमल, कैट इज आल्सो ए मैमल। तीसरा जो शो किया गया वो क्या है, ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, और नेक्स्ट क्या लिया गया है, बर्ड इज आल्सो अ एनिमल, और जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, टॉम इज अ बर्ड, टॉम इज कलर जिंजर, टॉम इज ओन्ड बाय जॉन, टॉम इज अ कैट, कैट लाइक्स क्रीम, कैट इज सेट ऑन मैट। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं, फिर से देखते हैं। जैसे कि मैमल में फ्योर होते हैं, ये एक तरह का पहला रिलेशनशिप है। दूसरा इसमें रिलेशनशिप क्या है, ऑल एनिमल्स आर मैमल इज एनिमल, ये हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, बर्ड इज अ एनिमल, ये हो गया। और क्या हो सकता है, टॉम कॉट अ बर्ड, टॉम ने बर्ड को पकड़ा। नेक्स्ट क्या है, टॉम एक कैट है, कैट एक मैमल है, कैट मैट पे बैठी हुई है, कैट क्रीम को खाती है, टॉम इज अ कैट, टॉम एक कैट है, टॉम का जो कलर है वो जिंजर कलर है, टॉम का मालिक कौन है, जॉन है। तो ये सारी रिलेशनशिप किस में शो हो रहे हैं, सिमेंटिक नेट्स में। अब सिमेंटिक नेट के एडवांटेजेस पे हम डिस्कशन करते हैं। सिमेंटिक नेट के एडवांटेज, पहला एडवांटेज होता है नेचुरल एंड मॉड्यूलर, दूसरा एडवांटेज एफिशिएंट सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, थर्ड एडवांटेजेबल ट्रांसलेटेबल टू प्रोलॉग विदाउट डिफिकल्टी, फोर्थ एडवांटेज है मीनिंग इज सिंपल टू जनरेट। यानी कि सिमेंटिक नेट का पहला एडवांटेज यह होता है कि यह नेचुरल एंड मॉड्यूलर है, सिमेंटिक नेट्स एफिशिएंट सिंपल और अंडरस्टैंडेबल है, सिमेंटिक नेट ट्रांसलेटेबल है प्रोलॉग में बिना किसी डिफिकल्टी के, सिमेंटिक नेट्स का मीनिंग बहुत ही सिंपल होता है जनरेट करने के लिए। अब हम डिस्कशन करते हैं सिमेंटिक नेट्स के डिसएडवांटेजेस के बारे में।
पहला डिसएडवांटेज है सिमेंटिक नेट्स का, नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन। दूसरा डिसएडवांटेज है सिमेंटिक नेट्स का, वो नॉट इंटेलिजेंट। तीसरा डिसएडवांटेज है डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइनर। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है क्रिएट कन्फ्यूजन ऑन सेम नेटवर्क क्रिएटेड बाई मल्टीपल पीपल। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है नोड्स रिप्रेजेंटिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट लुक सेम। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है निगेशन एंड डिस्जंक्शन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इजीली। यानी कि सिमेंटिक नेट्स का पहला डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होता है, सिमेंटिक नेट्स इंटेलिजेंट नहीं है, सिमेंटिक नेट डिपेंड करता है डिज़ाइनर पे, सिमेंटिक नेट क्रिएट करता है कन्फ्यूज़न सेम नेटवर्क पे क्योंकि यह क्रिएटेड किया जाता है बाई मल्टीपल पीपल। सिमेंटिक नेट्स में जो नोड्स होते हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट जो कि लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। सिमेंटिक नेट्स में निगेशन और डिजंक्शन को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं ईजिली। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेम्स के बारे में। स्कीमा रिप्रेजेंटेशन दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। फ्रेम एक तरह का स्कीमा रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसमें होता है कंटेन्स फ्रेम नेम स्लॉट्स एंड स्लॉट फिलर्स। फ्रेम में होता है फ्रेम नेम स्लॉट्स और स्लॉट फिलर्स। स्लॉट्स कॉरेस्पॉन्ड टू फील्ड्स एंड फिलर्स कॉरेस्पॉन्ड टू वैल्यूज। स्लॉट कॉरेस्पॉन्ड करते हैं फील्ड को और फिलर कॉरेस्पॉन्ड करते हैं वैल्यूज को। फ्रेम प्रोवाइड 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज टू सिमेंटिक नेट्स। फ्रेम प्रोवाइड करते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज सिमेंटिक नेट्स के लिए। इसके लिए हम बाई अलाउइंग नोड्स टू हैव स्ट्रक्चर। इसके लिए नोड्स को स्ट्रक्चर दिया जाता है। अब हम फ्रेम्स के एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे फ्रेम का एग्जाम्पल है कि यहाँ पर एक स्लॉट है और एक फिलर है। स्लॉट में है पब्लिशर, टाइटल, ऑथर, एडिशन और साथ ही साथ प्राइस, ये सारे स्लॉट में हैं। और इसके फिलर्स में कौन कौन से, मैकग्रॉ, AI, रिच, थर्ड, 200। यानी कि यदि कोई स्लॉट है पब्लिशर तो उसका फिलर है मैकग्रॉ, यदि कोई स्लॉट है टाइटल तो उसका फिलर है AI, यदि कोई स्लॉट है ऑथर तो उसका फिलर है रिच, यदि कोई स्लॉट है एडिशन तो उसका फिलर है थर्ड, यदि कोई स्लॉट है प्राइस तो उसका फिलर है 200। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी के बारे में। रिप्रेजेंट नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज इनपुट। कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी में रिप्रेजेंट किया जाता है नॉलेज जो कि एक्वायर्ड होता है नेचुरल लैंग्वेज इनपुट से। इफ़ टू और मोर सेंटेंसेस आर आइडेंटिकल इन मीनिंग देयर शुड बी ओनली वन रिप्रेजेंटेशन। यदि दो या ज़्यादा सेंटेंसेस एकदम आइडेंटिकल होते हैं मीनिंग में तो केवल एक का इस्तेमाल होगा रिप्रेजेंटेशन के लिए। सेंटेंसेस आर रिप्रेजेंटेड एज अ सीरीज ऑफ डायग्राम्स डिपिक्टिंग एक्शन। सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ सीरीज ऑफ डायग्राम्स डिपिक्टिंग एक्शंस। एजेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड। एजेंट्स और ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि एग्जाम्पल एट्रांस, पेट्रांस, एमट्रांस, एमबिल्ड, स्पीक, अटेंट, प्रोपेल, मूव, ग्रेस्प, एक्सपेल और इनजेस्ट। ये सारे कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी के लिए हैं। कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी का एग्जाम्पल सेंटेंस मैरी टेक ए बुक फ्रॉम जॉन, जॉन गेव मैरी ए बुक, ये दो सेंटेंसेस हैं। इसमें कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कि यहाँ पर एट्रेंस बुक के लिए है। बुक किसके बारे में रिप्रेजेंटेशन है, मैरी और जॉन, तो बुक दोनों से रिलेटेड होगा। यहाँ पे जो बुक के जगह यहाँ पे मैरी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका जॉन। स्क्रिप्ट, नेक्स्ट हम डिस्कस करें स्क्रिप्ट के बारे में। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन डिस्क्राइबिंग ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टेक्स। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन डिस्क्राइब करता है एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट।
एक्सटेंडेड फ्रेम्स बाय रिप्रेजेंटिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन एंड स्टेट चेंजेस। एक्सटेंडेड फ्रेम्स का इस्तेमाल होता है जिसमें रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शंस एंड स्टेट चेंजेस। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं शुरुआत से। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन के लिए, स्ट्रक्चर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए हम देख रहे थे सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन एंड मैपिंग को। तो मैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मैप करता है फैक्ट्स को रिप्रेजेंटेशन से और अदर कंटेंट से। दो तरह के मैपिंग हो सकते हैं, फॉरवर्ड मैपिंग जो कि जिसमें कि फैक्ट्स से रिप्रेजेंटेशन मैप होता है, बैकवर्ड मैपिंग जिसमें रिप्रेजेंटेशन से फैक्ट्स की मैपिंग होती है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि यदि फैक्ट्स रिप्रेजेंटेशन से मैप होता है तो इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड मैपिंग, और रिप्रेजेंटेशन फैक्ट से मैप होगा तो इसे हम कहेंगे बैकवर्ड मैपिंग। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का और मैपिंग का एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि फैक्ट्स मैप हो रहा है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से और इंटरनल रिप्रेजेंटेशन मैप हो रहा है फैक्ट्स से। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कनेक्टेड है इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन से। यदि हम इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को मैप कर रहे हैं तो वह कहलाएगा फॉरवर्ड मैपिंग, यदि रिप्रेजेंटेशन से फैक्ट को मैप कर रहे हैं तो वह कहलाएगा बैकवर्ड मैपिंग। जब भी आप ऐसा करते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक मैपिंग प्रोसेस करते हैं, तो उसके बाद जो डेटा जाता है वो जाता है इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन में, तो इसका इस्तेमाल होता है इंग्लिश जनरेशन के लिए। और यदि कुछ रूल्स या इंफॉर्मेशन जनरेट होती है तो वापस वह जाती है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में और उसी से दोबारा फैक्ट्स पे जाती है। तो ये एक तरीके का टू वे प्रोसेस है। तो यहाँ पर फैक्ट्स और इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के बीच का जो कनेक्शन है वो भी टू वे है, और इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन और इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के बीच का जो कनेक्शन है वो भी टू वे है। अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो इसके चार प्रॉपर्टीज होते हैं, रिप्रेजेंटेशियल एडिक्वेसी, इन्फ्रेंशियल एडिक्वेसी, इन्फ्रेंशियल एफिशिएंसी, एक्सपीशियल एफिशिएंसी। रिप्रेजेंशियल एडिक्वेसी में यह एबिलिटी होती है कि रिप्रेजेंट किया जा सके सारा नॉलेज जो कि डोमेन में ज़रूरत पड़ती है। यह एक गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की प्रॉपर्टीज है। गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का जो दूसरा प्रॉपर्टी होता है वो होता है इन्फ्रेंशियल एडिक्वेसी। इसका मतलब यह होता है कि एक गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में यह एबिलिटी होती है कि वह मैनिपुलेट कर सके नॉलेज को ताकि डिराइव किया जा सके न्यू स्ट्रक्चर इन्फर्ड फ्रॉम ओल्ड। गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है इन्फ्रेंशियल एफिशिएंसी। इसका मतलब यह होता है कि हम परफॉर्म कर सकें इन्फेरेंस इन द मोस्ट एफिशिएंट डायरेक्शन। फोर्थ जो प्रॉपर्टी होती है गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की वो होती है एक्विशेंशियल एफिशिएंसी, यानी कि हम एक्वायर कर सकें न्यू इन्फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से। स्ट्रक्चर्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के इस्तेमाल होता है सिमेंटिक नेट्स का। तो सीमेंटिक नेट्स क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है नॉलेज का नोड के टर्म्स में जिसमें आर्क्स कनेक्टेड होते हैं। नोड्स रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, आर्क्स रिप्रेजेंट करते हैं लिंक्स और रिलेशनशिप्स को। कोई भी लिंक या रिलेशनशिप होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। सीमेंटिक नेट्स के हम एग्जाम्पल पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक नॉलेज बेस है। पहला नॉलेज यह बोलता है कि टॉम एक बिल्ली है। दूसरा नॉलेज बेस बोलता है टॉम को एक बर्ड ने पकड़ लिया है। जो दूसरा नॉलेज बेस है उसमें यह है कि टॉम ने एक बर्ड को पकड़ा है, टॉम का मालिक जॉन है। चौथा नॉलेज बेस बोलता है टॉम का कलर जिंजर जैसा है। पांचवा नॉलेज बेस का पाँचवा सेंटेंस बोलता है कि बिल्लियों को क्रीम पसंद है। नॉलेज बेस का छठवां सेंटेंस बोलता है बिल्ली चटाई पर बैठी है। नॉलेज बेस का सातवां सेंटेंस बोलता है कि बिल्ली एक स्तनपाई है। आठवां सेंटेंस बोलता है कि पक्षी एक एनिमल है। और नौवां सेंटेंस बोलता है कि सारे स्तनपाई एनिमल्स हैं। दसवां सेंटेंस के मैमल्स है फ्योर, मैमल्स में फ्योर होते हैं। इसको हम एग्जांपल के जैसे एग्जांपल में देखते हैं, मैमल्स हैज फ्योर, ये एक रिलेशनशिप है। दूसरा रिलेशनशिप है कि मैमल इज़ अ एनिमल। तीसरा इसमें रिलेशनशिप क्या है कि कैट इज़ अ मैमल। नेक्स्ट रिलेशनशिप है एनिमल
इज अ बर्ड। अगला रिलेशनशिप है कि कैट इज सेट ऑन मैट। नेक्स्ट रिलेशनशिप है कि कैट लाइक क्रीम। नेक्स्ट रिलेशनशिप है कैट इज अ, नेक्स्ट रिलेशनशिप है टॉम इज अ कैट। नेक्स्ट रिलेशनशिप है टॉम इज कलर्ड जिंजर। नेक्स्ट रिलेशनशिप है इसमें टॉम कॉट ए बर्ड। और नेक्स्ट रिलेशनशिप है टॉम इज ओन्ड बाई जॉन। अब हम देख रहे हैं सिमेंटिक नेट्स के एडवांटेज के बारे में। पहला एडवांटेज है सिमेंटिक नेट्स का कि यह नेचुरल और मॉड्यूलर होता है। दूसरा एडवांटेज है कि सिमेंटिक नेट्स एफिशिएंट, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होता है। तीसरा एडवांटेज है कि सिमेंटिक नेट ट्रांसलेटेबल होता है प्रोलॉग में बिना किसी डिफ़िकल्टी के। चौथा एडवांटेज है सिमेंटिक नेट्स का कि यह सिंपल होता है जनरेट करने के लिए। अब हम रिवाइज़ कर रहे हैं सिमेंटिक नेट्स के डिसएडवांटेज के बारे में। सिमेंटिक नेट्स में कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होता है। सिमेंटिक नेट्स इंटेलिजेंट नहीं होता है। सिमेंटिक नेट डिपेंड करता है डिज़ाइनर पे। सिमेंटिक नेट क्रिएट करता है कन्फ्यूजन सेम नेटवर्क पे जब यह क्रिएटेड किया जाता है मल्टीपल पीपल के द्वारा। सिमेंटिक नेट्स में नोड्स रिप्रेजेंट करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट को जो लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। सिमेंटिक नेट्स में निगेशन और डिजंक्शन को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है ईजिली। अब हम रिवाइज कर रहे हैं फ्रेम्स के बारे में। फ्रेम एक स्कीमा रिप्रेजेंटेशन होता है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए। फ्रेम में कंटेन होता है फ्रेम नेम, स्लॉट और स्लॉट फिलर्स। स्लॉट कॉरस्पॉन्ड करते हैं फील्ड्स को और फिलर कॉरस्पॉन्ड करते हैं वैल्यूज़ को। फ्रेम प्रोवाइड करता है 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज सिमेंटिक नेट्स से। इसके लिए वह अलाउ करता है नोड्स को कि उसमें स्ट्रक्चर हो। जैसे कि यहाँ पर फ्रेम का एग्जांपल है, हमारे पास कुछ स्लॉट्स हैं और कुछ फिलर्स हैं। जैसे कि हमारे पास स्लॉट है पब्लिशर, टाइटल, ऑथर, एडिशन और प्राइस। और इनके फिलर्स हैं मैक्रॉ, AI, रिच, थर्ड और 200। यानी कि यदि कोई स्लॉट है पब्लिशर तो उसके लिए एक फिलर वैल्यू क्या हो सकता है मैक्रॉ। यदि कोई स्लॉट है टाइटल तो उसके लिए फिलर वैल्यू हो सकता है AI। यदि कोई स्लॉट है ऑथर तो उसके लिए फिलर वैल्यू हो सकता है रिच। यदि कोई स्लॉट है एडिशन तो उसके लिए फिलर वैल्यू हो सकता है थर्ड। यदि कोई स्लॉट है प्राइस तो उसके लिए फिलर वैल्यू हो सकता है 200। नेक्स्ट हम रिवाइज कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी के बारे में। रिप्रेजेंट जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉलेज तो वह एक्वायर्ड होता है नेचुरल लैंग्वेज इनपुट से। यदि दो या ज़्यादा सेंटेंस आइडेंटिकल होते हैं मीनिंग में तो उसमें से केवल एक को रिप्रेजेंट किया जाता है। सेंटेंसेस रिप्रेजेंट होते हैं एज अ सीरीज ऑफ डायग्राम जो कि डिपिक्ट करते हैं एक्शंस को। एजेंट्स और ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि एट्रान, पैट्रान, एमट्रान, इनबिल्ट, स्पीक, अटेंड, प्रोपेल, मूव, क्रेस्प, एक्सपेल और इनजेस्ट। जैसे कि कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी में एक एग्जांपल है, दो सेंटेंस है हमारे पास, मैरी टेक ए बुक फ्रॉम जॉन, जॉन गेव मैरी ए बुक। तो इसके लिए कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या इस्तेमाल किया है, एट्रेंस, जहां पर बुक इज़ अ एट्रेन और यहां पर बुक किससे कनेक्टेड है, मैरी से और जॉन से। नेक्स्ट है इसमें एक स्क्रिप्ट क्या होता है, एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि डिस्क्राइब करता है एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। एक्सटेंडेड फ्रेम्स का इस्तेमाल होता है इसमें कि बाय रिप्रेजेंटिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन एंड स्टेट चेंजेस। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।